घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी प्यारी सी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन, अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, ये देख आज मैं तेरे लिए जूती लाया हूँ। और पता है, ये जूते मैं सेठ कड़कनाथ के यहाँ से लाया हूँ, और वो भी उसे उल्लू बनाकर। अजीब दिखाई मुझे भी। ये देख, ये रहे जूते, अच्छा है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है बंटी जी? मुफ्त का माल है तो अच्छा ही होगा ना? और ये क्या जी, आपने जूते के साथ इसके मैचिंग मोजे नहीं लिए? आप भी ना चालाकी करने में कंजूसी कर देते हो। अच्छा मैं बताती हूँ, अगर मैं रहती ना तो उस मूर्ख सेठ से एक के बदले दो जूते लेती। और हाँ, आपको बता दे रही हूँ, कल आप फिर से उस सेठ के पास जाना और इसके मैचिंग मोजों के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो उस सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, रहने दो, पर अगली बार से ध्यान रखना, तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। अरे मुनमुन बिटिया, तेरे हाथ में क्या है? अरे माँ, मिट्टू अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 ट्रॉफी खरीदवा ली। माँ तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बिटिया, तूने बिल्कुल अच्छा किया, तू अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। हाँ अच्छा चलो, मैंने चावल दाल निकाल दिए हैं, तुम दोनों खा लो, मैं बुलबुल आंटी के घर से आती हूँ। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी आओ आओ, बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। क्यों बुलबुल, तुम मेरे पास क्यों आने वाली थी? और बुलबुल ये क्या, तुमने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं, कहीं जा रही हो क्या? टुनटुनी मैं गोवा के जंगल में घूमने जा रही हूँ। लेकिन बुलबुल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम गोवा घूमने जा रही हो? अरे टुनटुनी क्या बताऊँ, मेरी नंबर पे ना लॉटरी लगी थी और उससे मुझे 50,000 रुपए मिले और मैंने उससे एक हवाई मोटर खरीद ली। अब मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है बुलबुल, तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर का ध्यान रख लूंगी। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी जाती गोवा घूमने, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं गोवा घूमने जा सकूं। भगवान कृपा करो ना, मेरी भी लॉटरी लगा दो। मेरा पूरे 1 सप्ताह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके नंबर पे पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या बोला आपने, 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हाँ, पर आपको यह इनाम पाने के लिए कुछ रुपए जमा करने होंगे। ठीक है ठीक है, मैं अभी अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी के मारे झूम रही थी। झूमते झूमते वह अपने पति बंटी कबूतर के पास जाती है और बड़े ही खुशी से बोलती है, बंटी जी आपको पता है, हमें पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है बंटी जी, पर बंटी जी उन पैसों को पाने के लिए हमें कुछ रुपए जमा करने होंगे। अरे टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। हाँ, दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उस नंबर पर फोन लगा दी है। हेलो, जरा बताइए मुझे इनाम पाने के लिए कितने रुपए जमा करने होंगे? ज्यादा नहीं बहन जी, बस 2 लाख रुपए। मैं आपको एक नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, बस आप उस नंबर पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए और अगले ही दिन आपका इनाम आपके खाते में तुरंत पहुँच जाएगा। 2 करोड़ रुपए के लालच में आकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर को बेच देते हैं और 2 लाख रुपए उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं और 2 करोड़ रुपए अपने खाते में आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी जी, अब देखना, हम इस मोहल्ले में सबसे अमीर चिड़िया कहलाएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम उन रुपये से एक नया फ्लैट बनवाएंगे और हाँ, अपनी बिटिया मुनमुन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। हाँ बंटी जी, मैं उन रुपयों से एक हवाई मोटर भी लूंगी और उसके बाद हम सब मिलकर गोवा जाएंगे और वहाँ खूब मस्ती भी करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हमारी किस्मत का ताला तो खुल गया, अब हम गरीब से तुरंत अमीर हो जाएंगे, बस 2 करोड़ रुपए हमारे खाते में आने का बस देरी है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ हाँ बिटिया, तेरी सारी ख्वाहिशें अब पूरी हो जाएगी, अब हम अमीर हो गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर टुनटुनी चिड़िया के खाते में कुछ भी नहीं आता। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को थोड़ी चिंता होने लगती है। बंटी जी, मुझे तो अब चिंता
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अब तो हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप करो टुनटुनी, सुब सुब बोलो। खाते में पैसा ना आने की वजह से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है। नंबर को देख कर टुनटुनी चिड़िया खुशी से उछल पड़ती है। अरे बंटी जी, आ गया आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, हाँ बोलिए, मेरा पैसा आपने मेरे खाते पर भेज दिया। बहन जी, आपके मोबाइल नंबर पर अभी एक OTP जाएगा और जैसे ही आप मुझे उस OTP को बताएंगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस फ्रॉड स्टार को OTP नंबर बता देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अरे बंटी जी, हम कहीं के नहीं रहे, उस फ्रॉड स्टार ने हमें लूट लिया, जो भी बचा कुचा पैसा था सब उसने ले लिया बंटी जी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अफसोस करते डर जाते हैं। अब उन्हें अपनी लालच का फल मिल चुका था।